हेलो कृष्ण भाइयों, इस वीडियो में बायर जो एंट्राकोल फंगिसाइड है इसके बारे में बात करेंगे। इसका डोज क्या है, इसका कब कब यूज़ करना है, कौन सा फसल में यूज़ करना है, इसके बारे में बात करेंगे। बायर फंगिसाइड के साथ दूसरा कोई फंगिसाइड स्प्रे कर सकता है नहीं कर सकते मिस्ट करके, इसके बारे में बात करेंगे। उसका प्राइस के बारे में बात करेंगे। इसका जो जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में बात करेंगे। एंट्राकोल फंगिसाइड जो एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, उसका टेक्निकल फॉर्म है प्रोपिनेप 70% WP फॉर्म में रहता है, जो बहुत अच्छा उसका काम फसलों में काम करता है। अभी बात करेंगे एंट्राकोल फंगिसाइड कौन कौन फसल में स्प्रे कर सकता है, जैसे आलू, मिर्च, टमाटर, अंगूर, धान, कारपास, अनार, सब में बायर फंगिसाइड का एंट्राकोल यूज़ कर सकता है। अभी बात करेंगे फसलों का जो बीमारी आते हैं इसमें कौन कौन से बीमारी में स्प्रे कर सकता है बायर का एंट्राकोल फंगिसाइड। जैसे एप्पल में स्कैब का डिजीज आता है, पोमग्रेनेट के लीफ एंड फ्रूट स्पॉट आता है, जैसे पोटैटो में लेट एंड अर्ली ब्लाइट का डिजीज आता है, चिली में डाईबैक का एक प्रॉब्लम आता है, और टमाटो में बाग आई रूट आता है, ग्रेप्स में डाउनी मिल्ड्यू का प्रॉब्लम आता है, चिली में जैसे डाईबैक का बीमारी आता है, इसका जो इसमें जो बीमारी आता है इसके लिए एंट्राकोल फंगिसाइड स्प्रे करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके साथ कोई भी कार्बोनडाजिम एक साथ में मिक्स करके स्प्रे कर सकता है, इसके बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एंट्राकोल फंगिसाइड के साथ कोई भी कार्बोनडाजिम एक साथ कर मिक्स करके भी स्प्रे कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका स्प्रे करने के बाद। अभी बात करेंगे बायर एंट्राकोल फंगिसाइड का डोज के बारे में। इसका डोज जैसा 100 ग्राम का डोज 50 लीटर वाटर के साथ 100 ग्राम स्प्रे करना है, जैसे 2 ग्राम पर लीटर में स्प्रे करना है। बायर का जो एंट्राकोल कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है इसका अभी प्राइस के बारे में बात करेंगे। इसका प्राइस जो 100 ग्राम का लगभग 100 रुपीस और 250 ग्राम का लगभग 200 रुपीस में मार्केट में मिलता है। अभी बात करेंगे बायर का एंट्राकोल फंगिसाइड फर्स्ट स्प्रे करने के बाद दूसरा डोज कब और कैसे स्प्रे करना है। पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे लगभग 7 मिनट्स के बाद करना है, जो शाम का पहले इसको स्प्रे करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पोटैटो में जैसे लेट एंड अर्ली ब्लाइट का प्रॉब्लम आता है, टमाटर में जैसे बाग आई रूट का प्रॉब्लम आता है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है इसका स्प्रे करने के बाद जो एंट्राकोल फंगिसाइड है। हेलो कृष्ण भाइयों, इस वीडियो का आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। बायर का एंट्राकोल फंगिसाइड के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो